भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में दीवान बाजार स्थित सैनी समाज के पदाधिकारी एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा माता सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई। राजेश गुप्ता ने सावित्री बाई फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर तथा उन्हें तिलक लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि सावित्री बाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले ने समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया था। सावित्री बाई फुले ने देश में पहला महिला विद्यालय बनाने का कार्य किया था कि समाज के सभी शोषित वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग की बच्चियां स्कूल जाकर पढ़ाई करें और देश सेवा में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। सावित्रीबाई फुले नारी शक्ति आंदोलन की प्रणेता व महिला शिक्षा क्रांतिकारी महान समाज सेविका थीं। उन्होंने कहा कि उनकी नारी शिक्षा एवं समानता आजीवन संघर्ष रही। सावित्रीबाई फुले शोषितों वंचितों एवं नारियों के उत्थान के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है। इस अवसर पर महानगर कोषाध्यक्ष दयाकृष्ण गुप्ता, गौरव तिवारी, जितेंद्र सैनी, कृष्ण गोपाल, दिलीप रामबाबू सैनी, अमित संजय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, और कन्या विद्यालय पहला देश की पहला कन्या विद्यालय खोलने का इनको गौरव प्राप्त है और सभी जातियों के इनके विद्यालय में आके पढ़ते थे, उन्हें कोई जात पात का भेदभाव नहीं था। सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती है। आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं उनके जन्म जयंती को मनाने के लिए। निश्चित ही सावित्रीबाई फुले जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। अभी सैनी जी ने बताया कि देश में पहला महिला विद्यालय खोलने का आपको अवसर मिला, शुभ अवसर मिला। समाज के शोषित वंचित जो अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे बच्चियां नहीं पढ़ पाती थी स्कूल, उनको प्रेरित करना, उनको शिक्षित करना ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ें, उस समय ये परिकल्पना इन्होंने की। निश्चित ही आज के अवसर पर हम सभी को उन्हें याद करते हुए उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं एवं उनके बताए रास्ते पर हम सभी को चलना चाहिए, क्योंकि समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, समाज शिक्षित हो, हमारे जो भी गरीब परिवार के लोग बच्चे बच्चियां सब शिक्षित हों, पढ़ लिख के देश सेवा में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें, चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सावित्रीबाई फुले जी ज्योतिबा फुले जी की पत्नी का आज जन्मदिन है। निश्चित ही ज्योतिबा फुले जी ने और सावित्रीबाई फुले जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए निरंतर काम किया था। उसी कड़ी में सावित्रीबाई फुले जी ने देश में पहली महिला विद्यालय बनाने का काम किया ताकि समाज के शोषित वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग की बच्चियां भी स्कूल जाएं, पढ़ें और देश सेवा में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर जितेंद्र सैनी जी अपने पार्षद और दयाकृष्ण गुप्ता जी महानगर के कोषाध्यक्ष एवं सभी सैनी समाज एवं अन्य समाज के साथ मिलकर उनके चित्र पर आज पुष्पांजलि अर्पित किया गया है, ताकि हमको उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम सभी लगातार उनके बताए रास्ते पर काम करके समाज के शोषित वंचितों को निश्चित ही एक शिक्षा मिलनी चाहिए अनिवार्य रूप से, वह शिक्षित हों और अपनी देश सेवा में भूमिका का निर्वहन करें।